चार महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली जानकारी है किसानों के लिए तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। दूसरी जानकारी है कमलनाथ का प्लान 22 बीजेपी पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आगे आने वाले समय में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तीसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश संजीवनी टेली हेल्थ टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। यदि आपको कोरोना के अलावा अन्य कोई बीमारी है तो आप इन नंबरों पर जानकारी लेकर के डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को CMHO ने आदेश जारी किया है। जानते हैं क्या है आदेश। 16 मई 2020 का अपडेट है। किसानों के ब्लूप्रिंट में आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त जारी हुई है। लोकल उत्पाद जैसे आम मखाना बनेंगे ब्रांड। निर्मला सीतारमण ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए पशुपालकों के लिए कई प्रावधान किए हैं। सरकार ने ऐलान किया कि गाय भैंस बकरी समेत सभी पशुओं को टीकाकरण किया जाएगा ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। वहीं PM मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए भी और 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी लगाया जाएगा। आलू टमाटर प्याज नहीं, अब सभी सब्जियां ब्रांड बनेंगी। ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर प्याज और आलू से सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। इनको ब्रांड बनाएगी सरकार। दरअसल पहले टमाटर प्याज और आलू खराब होने पर सरकार किसानों की मदद करती थी। अब किसी भी प्रकार की सब्जी खराब होने पर राहत मिलेगी, चाहे वो कोई भी सब्जी हो। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सब्जियों के माल भाड़े पर 50% की छूट मिलेगी और भंडारण पर भी 50% सब्जी दी जाएगी। तो इस प्रकार से सब्जी का मार्केट अब देश में बढ़ने वाला है। किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लगाएं ताकि उनको राहत मिल सके। इस प्रकार से अन्य घोषणाएं। किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले 2 वर्ष में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा। खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के लिए 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में 55,00,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जुड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा जिसके तहत बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे। किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा जिससे बाधा रहित अंतर्राज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई ट्रेंडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके। किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डीरेगुलेट किया जाएगा। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना लागू की जाएगी। इससे 2,00,000 मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है किसानों के लिए। अगली जानकारी है मध्य प्रदेश संजीवनी टेली हेल्थ का टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। यदि आपको COVID-19 के अलावा अन्य कोई बीमारी है तो आप इस नंबर पर बात करके डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में संजीवनी टेली हेल्थ टोल फ्री नंबर 1800103-7378 प्रारंभ हो चुका है। इस सुविधा पर कोरोना के अलावा अन्य सभी बीमारियों के लिए अपोलो के डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको घर बैठे ई प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला चिकित्सालय में भी संजीवनी OPD सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि टेली हेल्थ सुविधा का अधिकतम लोग घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श लेकर इसका लाभ उठाए। अगली जानकारी है मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है CMHO ने। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान उचित प्रबंधन और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाए। मौजूदा हालात और रोगियों को चिकित्सकीय रूप से हल्के, मध्यम या गंभीर रोग की श्रेणी के अनुसार उनकी देखभाल स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में भर्ती कर उपचारित करने के लिए सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगली जानकारी है BJP की योजना पर भारी पड़ सकता है कमलनाथ का प्लान 22। पूर्व CM के दावे से मची है खलबली BJP में। मध्य प्रदेश में COVID-19 के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए कांग्रेस और BJP के नेता ऊपरी तौर पर भले
बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने लॉकडाउन के बाद होने वाले उपचुनाव की रणनीति बन रही है। दोनों पार्टियां 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के उस दावे से बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है, जिसमें उन्होंने 24 विधानसभा सीटों में से 20 से 22 सीटों के जीतने का दावा किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बात के संकेत साफ कर दिए हैं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बागियों के रवैये को लेकर भाजपा के अंदर खासी नाराजगी है। बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता उनके संपर्क में हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करीब 2 महीने पहले सत्ता से बाहर हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ के इस संकेत के बाद बीजेपी नेता अलर्ट हो गए हैं। यही वजह है कि पार्टी ने सभी 24 विधानसभा सीटों वाले 15 जिलों में हर दिन मॉनिटरिंग का काम तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भाजपा दफ्तर में बैठकर हर दिन 15 जिलों के अध्यक्षों और विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली चर्चा में हर दिन इन जिलों का फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत बीजेपी को न हो। दरअसल प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ हर दिन चुनाव की रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, साथ ही उन जिलों में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क बनाने की भी कोशिश जारी है, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले चेहरों से खासे नाराज हैं। इसी असंतोष को अपने पक्ष में करने के लिए कमलनाथ रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारी थी, इस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के ग्वालियर संभल इलाके में असंतोष के स्वर उठने के बाद पार्टी ने संगठन स्तर पर उन्हें दबाने की कोशिश की है। ग्वालियर चंबल के पार्टी नेताओं को समझाइश दी जा रही है कि वही पार्टी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की नाराजगी को भी बीजेपी की मुखालफत से जुड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उन तमाम चेहरों से संपर्क में लगी है जो बीजेपी के लिए उपचुनाव में एंटी रोल अदा कर सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत गर्म रहेगा। तो इस प्रकार से जानकारी थी आप सभी से जुड़ी हुई। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।